हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल यंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात की थी कि इसरो में साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं, लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटी थी, वो जो वैकेंसी थी, वो केवल इंजीनियर्स के लिए, वो भी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स के लिए ही था। बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करके पूछा कि सर, बीएससी वाले, एमएससी वाले, पीएचडी वाले जो हैं, क्या वो लोग इसरो में साइंटिस्ट नहीं बन सकते? तो फिर मैंने थोड़ा उस पर रिसर्च किया, तो अब मुझे पता चला है कि अगर आपने पीएचडी की है तो वो लोग भी इसरो पे साइंटिस्ट बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता। आप इसरो की एक वेबसाइट है liveregister.isro.gov.in, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इस पे जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ये क्या बोलता है कि आपके पास या तो अभी पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, या हो सकता है आपने अपनी थेसिस जो है सबमिट कर दी है और आप डिग्री मिलने का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपका स्पेशलाइजेशन जो है वो किस किस में होना चाहिए वो भी ये मेंशन कर देते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है एरोनॉटिक्स, एग्रीकल्चर, एटमोस्फेरिक साइंसेस, केमिकल, सिविल, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, कंप्यूटर, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल, जियोलॉजी, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी, मैकेनिकल, ओशनोग्राफी, पावर सिस्टम, रिमोट सेंसिंग, स्पेस साइंस, स्ट्रक्चर्स, टेलीकम्युनिकेशन, वाटर रिसोर्सेज एट्सेट्रा। तो आपके पास अगर साइंस के अंदर या इंजीनियरिंग के अंदर इन सब स्पेशलाइजेशन वाली पीएचडी की डिग्री है तो आप इसरो की जो वेबसाइट है इस पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, liveregister.isro.gov.in। इसरो का कहना है कि जब भी इन स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी होगी तो डायरेक्टली आपसे संपर्क करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफर कर देंगे, अगर पूरा जो प्रोसेस होगा इंटरव्यू वगैरह का जो भी होगा उसके बाद आप एलिजिबल होते हो। तो दोस्तों, यही थी पूरी इन्फॉर्मेशन कि बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हो, फिर पीएचडी कर सकते हो, तो इस तरह से एक रास्ता बन जाता है साइंटिस्ट बनने का इसरो में। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरीके के और वीडियोज़ के रेगुलरली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।